जी सर। जी 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 भाई ने एक सवाल किया, इसका भी ताल्लुक बहरहाल इल्म की कमी के ताल्लुक से है कि बहुत से लोग उन्होंने कहा कि फजर की नमाज अजान नमाज चलती है और पीछे आके सुन्नतें पढ़ते हैं, पीछे आके सुन्नतें पढ़ते हैं और दूसरी दीगर नमाज़ों में भी करते हैं, तो क्या दुरुस्त है? तो देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया जब किसी अजान नमाज की इकामत दे दी जाए उस नमाज के अलावा दूसरी नमाज नहीं होती। फिर फजर की नमाज़ चल रही है, इकामत हो गई तो आप फजर ही पढ़ सकते हैं, बाकी नहीं। इसीलिए बहुत से लोग उम्रे को जाते हैं, हज को जाते हैं, अब वहाँ बहुत लंबी लंबी फजर होती है, तो बहुत से हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बोलते अरे बहुत लंबी चलती हो, आकर आराम से पीछे खड़े होते, एक आध आराम आके उठा के ले जाता, चल अंदर उधर यहाँ के नमाज़ पढ़ते खड़ा हुआ है, उधर नमाज़ चल रही है यहाँ खड़ा, तो हम बोलते अरे क्या गंदा आदमी है, देखो नमाज़ तोड़ा दिया मेरी फलां, वो बोलता कुछ नमाज़ तो नहीं, चलो उधर जहालत तुम्हारी, वहाँ इकामत होगी, अब कहीं की नमाज़ दूसरी, तो इकामत होने के बाद कोई दूसरी नमाज़ नहीं होती सिवा उस नमाज़ के। अब आप खड़े हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं, इकामत होगी, इमाम ने कह दिया आपको नमाज़ तोड़ देनी पड़ेगी अपनी और जाके इकामत मिल जाइए, बाद में आके वो नमाज़ आप मुकम्मल करें। दूसरा ये कि फजर में भी बहरहाल बहुत से लोग अक्सरियत करते हैं कि आराम से मालूम है लंबी होती फजर, ईशा थोड़ी सी लंबी होती हर मस्जिद में, तो आगे खड़े थे भी लाइलमी याद रखिए, जमात सफ बंदी के आदाब, सफ़ के आदाब, नमाज़ के आदाब, उसके फ़राइज़, हम कुछ सीखते नहीं याद रखिए, हर तमाम चीज़ें बस सुनी सुनाई देखी दिखाई चल रही है, ठीक। अब ये भी लाइलमी का एक नतीजा है कि हम सीखते नहीं हैं और पीछे आके हम करते हैं दुरुस्त नहीं याद रखी। हाँ, अगर आप आदि है ये नमाज़ पढ़ने की, पढ़ना चाहिए मौकेदा फजर से पहले की, लेकिन जोहर के पहले की भी चार मौके था उसी तरह की जिस तरह फजर की दो है, फजर की दो को तो अहमियत, जोहर की चार गायब, मौकेदा है, फजर के लिए खास ताकीद तो कहीं नहीं है, हर मौकेदा है जो आपको पढ़ना है, फजर से पहले की दो, जोहर की पहले की चार, जोहर की बाद की दो, मगरिब की बाद की दो, ईशा की बाद की दो, ये होती है कुल 12 रकात, पढ़ना है ये सबको, लेकिन सिर्फ फजर की दो को अहमियत, आकर इमाम कुछ भी करो आप उन आराम से, हत्ता कि कायदे में भी मिला तो आराम से पढ़ के कायदे में जाके मिलते हैं, उससे नहीं होती नमाज़, कोई भी नमाज़ जब इकामत दे दी जाए वही होंगी, ये एक लाइलमी का नतीजा है। फ़राइज़ के ताल्लुक से मैं बिलखसूस ताकीद करूँगा, अहकाम जो है फ़राइज़, इसका इल्म तो सबको ज़रूरी है, मुसलमान हर शख्स इल्म हासिल करे, नमाज़ रोज़े ज़कात हज के कैसे होते, कैसे नफी होती, कैसे टूटते हैं, तौहीद कब कायम होती, तौहीद के खिलाफ कब अमल होता है, ये सीखना जो है इंतहाई हमारे लिए जो है ज़्यादा जो है ज़रूरी है। दूसरा भाई ने कहा कि सब अगर कोई इमाम मस्जिद में जमात ख़त्म हो जाए पीछे से लोग आए तो यहाँ दूसरी जमात नहीं बनाते, देखिए तमाम चीज़ों का ताल्लुक लाइलमी से है, जहालत से है, कि लोगों को पता ही नहीं कि दूसरी जमात होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, जमात हो चुकी थी, एक सहाबी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कौन आप अपने भाई के लिए सदका करेगा, इसलिए कि वो सहाबी लेट हो गए तो उनकी जमात नहीं हुई। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल मैं सदका करूँगा, तो कहा इसके साथ नमाज़ पढ़ ले, वो सहाबी इमाम बन गए जिन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी, वो दूसरा मुख्तदी बन गया, जमात का सवाब मिल गया, ये सवाब सदका था इस सहाबी का उस सहाबी के लिए, आपने पढ़वा ही ना कि पढ़ कौन सदका करेगा। अब यहाँ मामला एक जमात होगी तो दूसरी जमात नहीं बनना, ये नहीं होना, फ़लाँ नहीं होना, कोई बना ले तो वो झगड़ा, इकामत दे दे तो वो नया झगड़ा, फ़लाँ कर दे तो फ़लाँ, ये लाइलमी का नतीजा है। तो मैं कहूँगा आप लोगों में इल्म बांटे, इल्म बांटे, इल्म बुनियाद है, इल्म बांटते रहें, शरीयत का इल्म, नमाज़ों का इल्म, फ़राइज़ का इल्म, अहकाम का इल्म, रोज़ों का इल्म, ज़कात का इल्म, हज का इल्म और तौहीद बांटते रहिए। इल्म जब बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह अमल होगा, लेकिन अगर आप अमल करने की कोशिश करेंगे इल्म से पहले तो भी झगड़ा होगा। आप सीधा को मस्जिद में गए दूसरी जमात बना ली जाए, लिखा हुआ रहता कभी कर दूसरी जमात ये मस्जिद में नहीं बनेंगी, रसूलुल्लाह बनाए लगा रहे, तुम कौन होते हो मना करने वाले, फिर भी जहालत, ये मस्जिद में नहीं होंगी। अब आप पढ़ लेंगे तो झगड़ा, आप बोलेंगे रसूलुल्लाह बोलेंगे कुछ नहीं, वो सब उधर ही, तुमने दूसरी जमात कैसे बनाए, आ जाओ थोड़ा दो दो हाथ, तीन तीन हाथ, चार चार हाथ, पता नहीं क्या खामोखा नमाज फितना, आप अकेले पढ़ लीजिए, लेकिन इल्म ज़रूर बांटिए कि मेरे भाई जमात से भी होती है, जमात से दूसरी जमात बनाई जा सकती है, हाँ वो मुसल्ले पर नहीं बनेंगी, बाजू कहीं बनेंगी, ताकि लोग गलतफहमी भी ना हो कि हाँ फ़र्ज़ जमात चल रही है या मस्जिद की जमात चल रही है, ये जमात अलग से है, बस वो निशानदेही हो जाए तो आप सहन में पड़ी आराम से जमात बना सकते हैं। लेकिन कोई इसको ये तरीक़ा ना इख्तियार करे कि फ़र्ज़ नमाज चले और ख़ास तौर से लेट जाए और रोज़ एक जमात बनाए, ऐसे लोगों को धकालना चाहिए फिर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक नया मसला खड़ा कर रहे हैं मस्जिद में।
یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو امام سے ناراض ہے فلاں تو آپ نماز میں الگ بناؤں گا. یہ طریقہ کوئی اگر اختیار کریں تو یہ تو امت کے اتحاد میں کیا کر رہا ہے, وہ اتفاق کو ختم کر کے اس میں جو درار ڈال رہا ہے. اور اس کا اگر عادی ہے تو عادی نہیں ہے, کبھی ہو گیا تو بالکل بنا لے, شریعت اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ وہ کر سکتا ہے. اصل ہے علم کی کمی, آپ علم تقسیم کیجئے, علم بانٹی شریعت کا, انشاءاللہ عزیز یہ مسئلے دھیرے دھیرے ان کے جو حل نکل کر آئیں گے.